पीसी चावड़ा जी के साथ मेरे को बहुत साथ में रहने का मौका मिला। आप यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उसमें श्री पहलाज सर, बीसी जी और मैं, इन तीन लोगों की बात करें तो हम पीसी जी के साथ आरसीएम से पहले से ही जुड़े हुए। और पीसी जी के पास जाने से जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो अद्भुत है। अगर मैं किताब लिखना चाहूं तो जैसे पीसी जी ने किताब लिखी ना जीवन एक खोज, तो उससे बड़ी किताब मैं पीसी जी के बारे में लिख सकता हूँ। लेकिन टीसी जी ने अभी बिजनेस की तैयारी हमारे को दे रखी है, जिम्मेदारी दे रखी है, तो हम बिजनेस पे लगे हुए हैं। क्योंकि टीसी जी के अंदर हम किस दिशा में जाएं, क्या गुण और क्या बातें करें। लेकिन पर्सनली मेरे जीवन पर जो बड़ा प्रभाव पड़ा है टीसी सरकार, वो अगर मैं उन बारीकियों को बताऊं तो उन बारीकियों को लेकर आप बहुत तेज गति से अपने इस जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर मैं सबसे पहली बात बताऊं तो टीसी जी के साथ जब वो ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, तब हमें साथ में उनका साथ काम करने का मौका मिला। और वहां पर जाने के बाद पहली बार पता चला कि बड़ा आदमी बनता कैसे। देखिए, बड़ा आदमी तब बड़ा बनता है जब वो किसी काम को छोटा नहीं समझता। बड़ा आदमी तब बड़ा बनता है जब किसी काम को वो छोटा नहीं समझता। और हमें अच्छी तरह पता है कि हम एक अच्छी खासी पोस्ट पे थे, सेल्स के अंदर थे, और टीसी चावड़ा जी 2 घंटे पहले हमारे साथ जाते थे और वो एक बारीक बारीक काम को करते थे जिसको एक आम आदमी नहीं कर सकता या आम आदमी करने से शर्माता। कहते ना कि वही लोग टॉप पे जाते हैं जिनको अपने काम से प्यार होता है। वो टीसी छाबड़ा जी के पास वो था, तो मैं देखता था कि कपड़े के रोल आते थे, थान आते थे, और उनको सही ढंग से जमा देना, नंबरिंग पर लगा देना और अकेले ये काम करना। उस समय कोई स्टाफ कंपनी का नहीं आया, वो काम करते थे। उस समय हम शुरुआत में देखते थे तो थोड़ा अटपटा सा लगता था, लेकिन ये बात समझ में आ जाती थी कि बड़ा आदमी कैसे बना जा सकता है जब वो छोटे छोटे काम को कितनी महत्व है। कि जब हम कोई ग्राहक आएगा उस समय अगर इधर उधर ढूंढेंगे तो उसका कितना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आएगा, और उसको अगर सिस्टमेटिक रखे तो किस तरह से फायदा होगा। तो छोटी सी चीज को उठाते थे। और अभी आरसीएम चालू होने के बाद भी आप देखेंगे रूटीन में कि टीसी चावड़ा जी कभी इस गोडाउन में मिलेंगे, कभी उस गोडाउन में मिलेंगे, और जिस चीज पर कोई ध्यान नहीं देता टीसी चावड़ा जी देते हैं ध्यान। मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है जब मैंने एक खाली पेज टीसी चावड़ा जी के ऑफिस में से उठाया और उस खाली पेज पर लिखने लग गया, तो लिखने की जो ही शुरुआत की टीसी जावड़े जी ने मुझे रोक दिया, उस पेज को वापस उठा लिया। उन्होंने एक रद्दी पेज निकाला नीचे से जो एक तरफ से प्रिंटेड था और मुझे दे दिया। तो मुझे ये समझ में आया कि इसे अमीरपन नहीं कहते, इसे कहते हैं सदुपयोग। हर चीज का कैसे सदुपयोग करना है, ये टीसी जावड़े जी की फितरत रही है। और हमेशा वो हमेशा ऐसा काम करते थे और बहुत मजा आता था उनके साथ रहने का। दूसरा मुझे एक चीज सीखने को मिली थी कि किसी चीज को हजम करने की पावर 90% लोगों में नहीं होती। पीसी चावड़ा जी के पास जो आज एम्पायर है, पीसी चावड़ा जी राजस्थान के टॉप 100 आदमी में लें तो टीसी चावड़ा जी का 10वां नंबर 12वां नंबर आता होगा। इतने टॉप पर टीसी चावड़ा जी फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, लेकिन फिर भी मजे की बात है कि उनसे एक गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए, एक गलत खर्चा हो जाए। मैं एक दिन की बात है, टीसी चावड़ा जी के पास सिंपल सी कार थी और मेरे पास भी कार थी, इनोवा थी शायद, और उनके पास भी लगभग इसी रेंज की कोई गाड़ी थी। तो मैं टीसी चावड़ा जी के पास गया, मैंने कहा सर ये अच्छा नहीं लगता, हमारे कंपनी का जो एमडी है ना वो मेरी जैसी गाड़ी में लेकर आए, और मैं चाहता हूँ कि आप मर्सिडीज खरीद लो। तो टीसी चावड़ा जी ने मुझे एक लाइन कही थी कि देख भाई, मर्सिडीज मैं खरीदूंगा तो लोग समझेंगे कंपनी बहुत कमा रही है, और तू खरीदेगा तो लोग समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत कमा रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जड़ को समझना, किसी चीज की गहराई को समझना, केवल शो ऑफ करके इधर उधर हाथ धूं करके किसी बिजनेस को बढ़ाना उनकी फितरत नहीं है। और वो हमेशा इन चीजों को बहुत बारीकी से लेते आए हैं और उसको निभाते आए हैं। तीसरी चीज मैंने जो सीखी उस दिन में, उनके वो कमिटमेंट का लेवल। टीसी छाबड़ा जी को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो जब डिसीजन लेते हैं तो उनके कुछ 3-4 पैराग्राफ है कि भाई इस आदमी की भावना कैसी है, ये आदमी की भावना अगर सही है और अगर ये सही अच्छे के लिए काम कर रहा है और इसके अंदर किसी और आदमी का नुकसान नहीं है, किसी का शारीरिक नुकसान नहीं, किसी का आर्थिक नुकसान नहीं है, तो तुरंत वो डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं कंपनी के स्टाफ से भी निवेदन करना चाहूंगा कि टीसी चावड़ा जी की इस बात को आप अपनाएं कि डिसीजन लेने में देरी न रहे, टीसी चावड़ा जी के पास जाओ, वो तुरंत डिसीजन देते हैं। उनके पैराग्राफ बना रखे हैं उन्होंने, उसी क्राइटेरिया बना रखा, उस क्राइटेरिया में जो भी बात जाती है वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं उस बात को। और टीसी चावड़ा जी की डिसीजन मेकिंग हमेशा टॉप की रही है। वो बात मुझे याद है अभी तक, जब ट्रेडिशनल बिजनेस टीसी चावड़ा जी करते थे और डायरेक्ट सेलिंग का जब पहली बार उन्होंने प्लान देखा था, ऐसा इंस्टेंट डिसीजन हुआ कि ऐसा करोड़ों का डिसीजन कोई आम आदमी ले ही नहीं सकता। ये उनकी एक खास बात है किसी डिसीजन को लेने की। चौथी बात मैंने जो सीखी है, उनका कमिटमेंट लेवल। जब वो किसी चीज से कमिटमेंट कर लेते हैं
कोई बात का कमिटमेंट कर लेते हैं, चाहे वो आर्थिक कमिटमेंट हो या किसी से दोस्ती निभाने का कमिटमेंट हो, वो कमिटमेंट बहुत टॉप लेवल तक ले जाते हैं। जो बोल दिया वो बोल दिया, जो निकल गया वो निकल गया। तो वो कमिटमेंट जो है क्या दर्शाता है, वो कमिटमेंट उनका फैन बनाने के लिए काफी है। जब कोई आदमी किसी के साथ रिलेशनशिप चाहता है तो वो यही तो चीज चाहता है, कमिटमेंट। और टीसी छाबड़ा जी का कमिटमेंट ऐसा रहा है कि उनके साथ लाखों आदमी, हजारों आदमी जुड़ते चले गए उस कमिटमेंट की वजह से। ट्रांसपेरेंसी कमिटमेंट की वजह से उन्हें से रही है। जब भी उन्होंने काम किया तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है। और वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से आरसी बिजनेस इस लेवल पे आया। बहुत सारी कंपनियां जब ज्वाइन करते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब कंपनी का कमीशन नहीं आया, अभी तक हमारे पास नहीं आया। मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम के किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में ऐसी बात कभी भी नहीं आई होगी कि इस महीने का जो बिजनेस क्लोज हुआ उसका कमीशन आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 2010-11 में जब हमारा बिजनेस बंद था और 2011 में चालू हुआ, तो टीसी छाबड़ा जी का पहला डिसीजन था कि जो पुराना पकाया पेमेंट है, कंपनी के पास सरप्लस फंड हो या ना हो, कहीं से भी अरेंजमेंट करना पड़े, सबको पहले वो पेमेंट आप दे दीजिए। और शुरुआत ही हम कब करेंगे बिजनेस की, जब तक वो पेमेंट नहीं जाएगा तब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे। तो जो टीसी छाबड़ा जी के अंदर है, तो बस आपने जो बातें बताई उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। वो राइटर भी है, सिंगर भी है, वो अच्छे खिलाड़ी भी है, वो बिजनेसमैन भी है, अच्छे वक्ता भी है, न जाने क्या क्या खूबियां हैं। लेकिन ये खूबियां हैं जो लोगों को दिखाने की है, वो खूबियां जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अंदर से पिछले 28 सालों में टीसी छाबड़ा जी सीखी है। टीसी छाबड़ा जी ना सिर्फ मेरे गुरु है, मेरे जन्म गुरु है, मेरे जीवन के वो श्रोता है कि मुकेश कोठारी के जीवन में टीसी छाबड़ा जी नामक अगर वर्ड नहीं होता तो शायद मुकेश कोठारी एक छोटी सी नौकरी करके अपने जीवन को काट रहा होता। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य कभी नहीं होता टीसी छाबड़ा जी का। तो मैं टीसी छाबड़ा जी के जन्मदिवस पर हृदय की गहराइयों से आरसीएम की पूरी कोर टीम से और आरसीएम के सारे डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप जिए हजारों साल और हजारों नहीं लाखों करोड़ों अरबों साल आप जिए, और ये आपकी याददाश्त लोगों के मन में बनी रहे। इन सिद्धांतों, इन कमिटमेंट के लेवल पर हम चलें, और आप लोग अगर हमारे साथ हैं तो आप हमारे साथ हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आरसीएम बिजनेस को, दुनिया की, हिंदुस्तान की नहीं, अब ये बहुत आगे की बात है, लेकिन ये धारा प्रभावित होगी और पूरी दुनिया में अगर कोई नाम करने वाला है तो वो आरसीएम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम करने वाला होगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। तो ऋषि चावड़ा जी को एक बार जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे साथी जो है कोर टीम के हमारे साथी हैं, मैं पर्सनली आप सब लोगों से भाई हृदय की गहराइयों से मैं आप लोगों को चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं तेज बोल देता हूँ, कभी कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन मेरे उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि भाई ये बिजनेस हमारे इस जीवन का बिजनेस नहीं बना रहे, जन्मों जन्मों का बिजनेस बना रहे, कि हम नहीं रहे, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इससे चलती रहे। और हमारे कोई भी एक भी डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो किसी केवल एक पीढ़ी को प्रभावित नहीं करे, हजारों पीढ़ियों को प्रभावित करे। तो कोर टीम की स्थापना हुई और कोर टीम के साथी ने बड़े चढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा लिया। हर आदमी अपने आप में एक कलाकार है। मैं मतलब कि क्या बताऊं आपको कि हमने सिर्फ एक बलवान दीक्षित जी को और हमारे श्रीगंगानगर के वो भाई साहब क्या इंदिरा जी बेरन, उनको हमने जिम्मेदारी दी कि भाई आप ना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अब वो टाइम मैनेजमेंट जब किया तो वो एक व्यक्ति जो है ना, वो टाइम मैनेजमेंट में इतना था कि पूरे प्रोग्राम को वो व्यक्ति खींच के ले गए दोनों लोग। तो एक एक व्यक्ति के अंदर, अगर हम बात करें जयपुर के हमारे कदम सिंह जी की, उनको सिर्फ ये बोला कि भाई आपके एंट्री और एग्जिट की जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी आंखों से होटल से उन्हें देख रहा था, सुबह 5:30 बजे वो रवाना हो गए थे होटल से। तो कमिटमेंट का लेवल आरसीएम की टीम में जो है वो हिंदुस्तान की किसी टीम में हो नहीं सकता। अगर कोई कहता है तो भी वो बुरी बात है। और आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर दिल से करते हैं, उनके अगर खून निकालेंगे तो देखिए नए जमाने में तो हनुमान जी पैदा नहीं होते कि वहां पे आरसीएम की तस्वीर निकलेगी, लेकिन ब्लड ब्लड में आरसीएम के सेल है और इस वजह से है। और हमारे गुरुदेव हैं बीसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी की बारीक बारीक हंसी मजाक में की हुई बात हमारे किस दिल तक जाती है, किन तरह से उन बातों को समझ जाते हैं। एक एक लीडर, चाहे वो महावीर सारण जी हो, चाहे श्री चंद्रत्री जी हो, चाहे विजेंद्र सिंह जी की हो, ओपी शर्मा जी के सुपुत्र अगर बात करें रवि शर्मा जी की, कितना लेट आए इस बिजनेस में और कितनी जल्दी उन्होंने मेच्योरिटी हासिल कर ली। इस तरह से एक एक लीडर, अगर मैं किसी के बारे में छूट जाऊं तो बेइंसाफी होगी उनके बारे में बोलूं, हर लीडर में एक धमाका है। और मजे की बात यह है कि इस बार हम सितंबर में 10 नए कोर लीडर लेकर आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ आरसीएम के इतिहास में 20 सालों 21 सालों में 10 कोर लीडर एक साल में इस टीम के अंदर आएंगे। तो मैं सारे कोर लीडर और सारे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप कोर टीम में आए, और कोर टीम में आने के बाद
साथ दें। कोर टीम एक कड़ी है जो डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच की कड़ी है, जहां पर हम बिजनेस बढ़ाने का काम करेंगे और कंपनी बिजनेस बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराएगी। ये कड़ी है जो आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइए और अपनी राय और विचार विमर्श हमारे साथ कीजिए, ताकि हम इस बिजनेस को टॉप पे ले जाएं। अब न्यूट्रीचार्ज की बात क्या करूं भाई, न्यूट्रीचार्ज मेरे जीवन में क्या लेकर आया है। देखिए मुझे पता है 2011 का वो समय जब एक बड़ा डिसीजन लिया प्रेम जी गोदा साहब ने, मनोज जी कोठारी सर ने, सैल्यूट करता हूं उनको, कि जिस समय सब लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, सब जब कोई भी आदमी हमारे साथ नहीं था, उस समय अगर आप देखें तो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और अमिताभ बच्चन के साथ एक इवेंट कराई और उसके बाद नतीजा था वो एक रामबाण था, उसकी वजह से यूं कहें कि जीवन दान था और उसी वजह से आर्थिक तेज गति से चलता गया। तो न्यूट्रीचार्ज 50% पे कब होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज की सेल डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आरसीएम के अंदर अगर हम काउंट करेंगे तो नंबर वन में न्यूट्रिशन की सेल में न्यूट्रीचार्ज टॉप पर होगा। किसी भी कंपनी की अगर बात करें उसमें टॉप होगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं और जी जान लगा देंगे इस बिजनेस को टॉप पे ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सारे कोऑर्डिनेटर का, पूरी न्यूट्रीचार्ज की टीम का, अरविंद जी का, मिलन सर का, मनीषा मैम का, कितना प्यार मिलता है। देखिए ऐसा लगता है कि सगा भाई सगी बहन जो है ना हमारे साथ बात कर रहा है, तो ये एक हृदय के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हैं। तो मैं अगेन पूरे हिंदुस्तान का, न्यूट्रीचार्ज का, कोर टीम का, सबका धन्यवाद देता हूँ।